बिगड़ी मेरी तकदीर को तूने बनाना है, दर छोड़ के तेरा अब और कहीं नहीं जाना है। ओम साई राम आप सभी प्यारे भक्तों को। चलिए बाबा से आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। जिन जिन के नाम आए हुए हैं बाबा के श्री चरणों में अर्जी लगाएंगे और बाबा के 11 वचन पढ़ेंगे और अरदास करेंगे बाबा से सभी के लिए कि हे देवा, जिन जिन के जीवन में परेशानियां चल रही हैं, कष्ट चल रहे हैं, दुख चल रहे हैं, उनको दूर करिए। जिसकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए बाबा के इस दरबार में। बाबा सभी की प्रार्थना सुने, सभी की अर्जी सुने। बाबा के श्री चरणों में आइए, अरदास करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक कुछ बात बताना चाहूँगी कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमें बाबा ने कितना ब्लेस किया हुआ है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, उसके लिए शुक्राना हमेशा अदा करते रहिए। बाबा का ग्रेटिट्यूड फीलिंग ज़रूर रखिए साईनाथ से, क्योंकि एक जो ये रिश्ता होता है ना वो स्ट्रांग बनता चला जाता है जब हम अपनी बाबा को शुक्राना करते रहते हैं साथ साथ। तो हम सभी को भी बाबा का शुक्राना अदा करते रहना चाहिए और ये भाव ज़रूर रखना चाहिए कि हे देवा, जो आपने हमें दिया है जीवन में उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है, छोटी सी स्टोरी है, ज़रूर सुनिएगा। एक बार की बात है, भगवान अपने भक्त के घर जाते हैं और कहते हैं कि वत्स, जो तूने मुझसे मांगना है वो आज मांग ले। तो वो भक्त कहता है कि जो मैं मांगूँ वो मुझे मिल जाए, बस यही मेरी मनोकामना है। तो बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे को मंजूर है, लेकिन जो तेरा पड़ोसी है उसको मैं दोगुना दूंगा, जो भी तू मांगेगा उसका दुगुना मैं तेरे पड़ोसी को दूंगा। तो वो जो भक्त होता है, वो आदमी होता है, वो सोच में पड़ जाता है। तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आप उसे दोगुना दे देना, लेकिन जो मैं मांगूँ लेकिन वो मुझे मेरी मनोकामना ज़रूर पूरी करिएगा। तो ऐसे कह के भगवान चले जाते हैं। तो जैसे ही भगवान जाते हैं तो वो भक्त मांगता है कि भगवान मेरे पास एक गाड़ी हो जाए। तो उसके पास एक गाड़ी हो जाती है, लेकिन उसके पड़ोसी के पास दो दो गाड़ियां हो जाती है। तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है कि इसके पास दो गाड़ियां हो गई, भगवान ने उसे दो गाड़ियां दे दी। कुछ समय बाद भगवान से वो मांगता है कि भगवान मेरे पास एक घर हो जाए। तो बाबा उसे एक घर दे देते हैं। तो उसके पड़ोसी को लेकिन दो दो घर दे देते हैं। तो वो अपने घर को देख के खुश नहीं होता, वो उससे दुखी होता है कि जो उसके पड़ोसी के पास है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है, तो वो कहता है कि भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। तो उसकी एक आंख फूट जाती है, तो उसके पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाती है। उसे बड़ा आनंद आता है, बहुत खुश होता है वो। तो थोड़ी टाइम बाद वो बोलता है कि भगवान मेरा एक हाथ टूट जाए। उसके पड़ोसी के दोनों हाथ टूट जाते हैं, तो उसको और मज़ा आता है, और खुश होता है वो। इस दौरान वो भूल जाता है कि भगवान उसे क्या क्या दे रहे थे और वो क्या गलती कर बैठा है कि वो क्या क्या मांगने लग गया। इसी तरह हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है, हम सब अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता कि ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है जीवन में, वो सब भूल कर हम एक दूसरे की तरफ झांकने लगते हैं कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या क्या है, उसको भगवान क्या क्या दे रहे हैं। हम इन चीज़ों में ध्यान देने शुरू कर देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं यही यहाँ पे आपको सबको बताना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी कि आपको शुक्राना अदा ज़रूर करते रहना चाहिए। एक दूसरे को देखकर कि उसके पास ये है, उसके पास घर है, ऐसे कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए अपने जीवन में। जो उसने दिया है, उस भगवान ने हमें दिया है हमारे जीवन में, सबसे पहले आपको उसका शुक्राना करना चाहिए। उसके बाद देखिए आपको अपने आप आगे की जो आपकी विशेज़ हैं वो अपने आप ही पूरी होती चली जाएंगी, आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने ये हैबिट डाली शुक्राना करने की देवा से, तो आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही आपकी सुन लेंगे। क्योंकि वो परमात्मा हमसे ज़्यादा हमारी फिक्र करते हैं, उन्हें सही समय का पता है कि हमें क्या चीज़ किस समय पर देनी है। जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है वो ही बाबा हमें देते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुक्राना अदा करते हैं बाबा का, और उसके बाद अरदास लगाते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है पद्मा देवी जी का, जो कि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, माउंट आबू से हैं। सेकंड नाम है आरोही, समीक्षा, आन, मानव जी और अंशु जी। थर्ड नेम है माधुरी वर्मा जी। फोर्थ नेम है अजीत तरनेकर जी फ्रॉम शेडी। फिफ्थ नेम है दिनेश सामरिया जी। सिक्स्थ नेम है शुभम जी, स्वयं जी और दिलीप जी विथ फैमिली। सेवेंथ नेम है रेणु कुमारी जी। एट्थ नाम है अनिल खावस। मंजू जी अपने बेटों के लिए प्रार्थना करा रहे हैं, आतिश, अनीशा, अशीता। नाइन्थ नेम है मानसी जी। टेंथ नेम है
दीपक जी, प्रियंका जी, पहल जी, कयंश जी और विद फैमिली। 11th नेम है अरुण कुमार जी, प्रिया जी, पूनम दास जी। 12th नेम है पूनम कनौजिया जी। 13th नाम है निरुपमा जी विद फैमिली। 14th नाम है आनंद रे जी, जो कि अपने पापा के लिए प्रार्थना करा रहे हैं, बाबा उनको ठीक करी, उनका स्वास्थ्य ठीक करी उनके पापा का। 15th नाम है मोना लीशा जी, और अपने बेटे के लिए प्रार्थना करा रहे हैं, जिनका नाम आयुष है। 16th नाम है उषा शर्मा जी। 17th नाम है बबीता आत्री जी, जो कि अपनी बेटी की शादी के लिए करा रहे हैं। 18th नाम है बीनू राघवन जी, और 19th नाम है अमित जी और पूजा जी। 20th नाम है बीना तिवारी जी। 21 नेम है मधु जी। 22 नेम है दिशा जी। 23rd नेम है आदित्य जी और अभिषेक जी फ्रॉम रांची। और 24th नेम है सस्मिता बिस्वाल जी। 25th नेम है प्रेम कुमार जी, जो कि अपनी जॉब के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। 26th नेम है अनकम्मा राव जी, जो कि हैदराबाद से हैं। 27th नेम है नेहा जी, जो कि अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करा रहे हैं नौकरी के लिए। 28th नेम है नेहा जी, जो कि अपने मामा अनुपम दुबे जी के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। 29th नेम है सिद्धि जी। 30th नेम है अर्पित पटनायक जी फ्रॉम ओडिशा। 31 नेम है सतीश वर्मा जी। 32 नेम है नंदा जी विद फैमिली फ्रॉम शिलोंग। 33 नेम है संतोष जी। 34th नेम है आशा जी। 35th नेम है रूमा जी, सुमी जी, अनिकेत जी, एक्यान जी और धीरज जी। 36th नेम है सारिका जी फ्रॉम महाराष्ट्र। 37th नेम है विश्वाजीत जी फ्रॉम असम। 38th नेम है सुमिधर जी। तो ये थे आज के नाम, जो कि बाबा के श्री चरणों में अरदास के लिए आए हुए थे। तो चलिए आइए मिलकर अरदास करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो सब कुछ तुम्हरी दात, साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात। विषयों में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखन हारे साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, देवा हमारे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए आइए बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरा प्रेम पूर्वक बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण ना खाली जाए हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ साई मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तक जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ बाबा आओ साईं आओ। बाबा आपकी प्रार्थना अवश्य ही पूरी करेंगे। आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है। तो जिनके भी आज नाम नहीं आए हैं वो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, निराश बिल्कुल मत होइए, कल की वीडियो में आपके नाम ज़रूर आ जाएंगे। तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम दे दीजिए, मैं आपके यहाँ से नाम लेके कल की वीडियो में ज़रूर डालूंगी। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, बाबा को याद करिए, बाबा का नाम जाप करिए, बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे, आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। ओम साई राम, जय साई राम।